देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्लास 7 का एक्सरसाइज नंबर 44 आर द सेगमेंट ओपी एंड सीडी पैरेलल टू पैरेलल है तो ये नहीं है, नॉट नो है इसका। डू दे इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज क्यों है, क्योंकि दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर, वो मीट हो जाएंगे इन फ्यूचर, तो इंटरसेक्ट हो गया इसका सोल्यूशन। इसका दे आर पैरेलल, ये यस है, देखिए ये कभी मीट नहीं करता, ये मीट हो जाएगा, नो होगा, इसका आंसर नो हो गया, इसका आंसर यस हुआ। अब देखिए 7 नंबर है, राइट ट्रू एंड फॉल्स। देखिए इसमें ट्रू और फॉल्स में, इसमें 7 वाले में क्या दिया गया है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि पैरेलल लाइन नेवर मीट ईच अदर, पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलते हैं, सही है। डिस्टेंस इज द सेम एवरीवेयर बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, सही है, यहाँ जितना है उतना यहाँ भी रहेगा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्ट, बिल्कुल दो अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसके बीच में डिस्टेंस भी हो सकता है। इफ द टू लाइन सेगमेंट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर दे आर पैरेलल, अगर ये जरूरी नहीं है कि देखिए अभी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या पैरेलल हो सकते हैं, क्या पैरेलल हो सकता है, नहीं, ये फॉल्स होगा। इसके बाद इफ द टू रेज डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर दे विल बी पैरेलल, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी वही कंडीशन है तो ये भी फॉल्स होगा। अब देखिए एक्सरसाइज 45 मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूँगा, और बाकी इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्लास 7 का ये 44 चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक।